इसको देखो, उदास बैठा है बाहर बालकनी में, बिल्कुल सबको मिस कर रहा है। आया आपका वो, बुलाओ इसको तो एक बारी। पापा क्या हो गया? ये ऐसे जब से आया ना तब से बालकनी में ही बैठ रहा है बार बार जा जाके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज 26 मार्च। तो हम लोग कल रात में 1:30 बजे वापस आए, फिर मैं सो गया था। सुबह उठा हूँ ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बजे और सोने में हो गए थे, मतलब 3 बज गए थे। तो नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो भी है जैसा भी है घर आके अच्छा लग रहा है। लेकिन हम लोग बोर होंगे बहुत ज़्यादा, हमें मालूम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, यहाँ पे लोग कम है। वहाँ पे जैसे मम्मी बहुत ज़्यादा बोर हो रही है और यहाँ पे हम लोग बोर होंगे। तो अभी तो खैर घर का बहुत बुरा हाल है, सब गंदगी डस्ट वस्ट, क्योंकि इतने दिन से घर बंद था तो वो सब था। एंड मैक्स इज़ ऑल्सो नॉट फीलिंग वेरी वेल, क्योंकि कल एक तो उसका पूरा दिन गाड़ी में बैठे बैठे निकल गया, तो उसके लिए भी माइंड भी अभी तक स्ट्रेस में होगा। और दूसरे में ये है कि वहाँ पे सबके साथ खेल रहा था, बन्नी के साथ, दीदी के साथ, मम्मी के साथ, भैया के साथ, तो वो लोग यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए माइंड। घर का तो बहुत ही बुरा हाल है, पूरा डस्ट हो रखा है, सामान वगैरह आपको यहाँ पर फेंका पड़ा मिलेगा। और यहाँ पर तो ब्रेकफास्ट बन रहा है, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं है, कुछ भी खाने का नहीं है। तो एग्स पड़े थे तो ऑमलेट बन रहा है मेरे लिए, और अपने लिए दलिया बना रही है, बिकॉज उसका स्टमक कल अच्छा नहीं था, तो चांस नहीं लेना चाहती, तो आज थोड़ा सा सेफ खाएगी, फिर कल से उड़ा देगी, जो मिले सब उड़ा देगी। तो यहाँ पे मैक्स का चिकन है, क्योंकि इसको बहुत दिन से चिकन नहीं मिला था, उसके लिए चिकन मंगा दिया है। घर का बुरा हाल है, देख लो, सामान वगैरह सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये साइकिल हमारी नहीं है, इसलिए मत बोलना कि साइकिल ले लिया और बताया नहीं साइकिल आंटी का है, तो यहाँ पे ऐसी लगा हुआ है। और टैंक का भी बहुत बुरा हाल है। फॉर सम रीज़न द लाइट इज़, हाँ लाइट चलने लगा, सुबह को लाइट अपने आप बंद हो गया था, मुझे लगा लाइट काम नहीं करेगा, तो ये हाल है। और ये बड़ी वाली एंजल फिशेस जो मैं 6 लेके आया था, उसमें से 5 जा चुकी है, 1 ही बची है। और प्लांट्स आप देख लो, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स जो मैंने बढ़िया बढ़िया प्लांट्स ला के लगाए थे, सारे प्लांट्स जो है वो गल के ख़त्म हो चुके हैं। अब इसमें दोबारा से मुझे प्लांट्स लगाने हैं, तो जो भी है जैसा भी है फ़िलहाल यही सीन है। लेकिन जो बची हुई फिशेस हैं वो हेल्दी हैं, विच इज़ वेरी गुड, और साइज़ उनका बड़ा हो गया। जो ब्लू एंजल्स है, दीज आर लुकिंग क्वाइट ब्लू, ये मज़ा आ रहा है। रमीनोस टेट्रास बची है, नियॉन टेट्रा सारी ख़त्म हो गई है। तुम्हारी फेवरेट नियॉन टेट्रा ख़त्म, वाह वाह, आते ही अरे अरे घर में जगह नहीं है, घर के अंदर साइकिल चला रही है भाई। चलो चलो, कल देखने वाला आया भाई, साइकिल चलाने के चक्कर में ऑमलेट ना जला दियो। अभी तो जल नहीं रहा है, ठीक है। ये टीवी मत पड़ साइकिल के चक्कर में। अब आपको डर हो गया क्लियर कि मुझे आती है साइकिल चलानी? हाँ, ऐसा लग तो रहा है कि तुम चला सकते हो साइकिल। साइकिल भी चला दो। नेक्स्ट हमारे घर में क्या आएगी? साइकिल तो इसको बहुत प्यारा है ना, देखो पूछ कैसे हिला रहा साइकिल देख के। ओ भाई साहब, प्यार हो गया साइकिल से। ऑफिस का भी इतना बुरा हाल है, यहाँ पे सारा सामान फेंका हुआ है, यहाँ पे सामान फेंका हुआ है, सब फेंका हुआ है। बालकनी का देख लो, बहुत बुरा हाल है। ये रूम का भी देखो, बुरा हाल है, सामान पड़ा हुआ, हर जगह आपको सामान दिखेगा, तो बहुत सारा काम करना है यहाँ। और ये जो मैं प्लांट वहाँ से लेके आया था, फिलहाल अभी मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि ये जो है थोड़ा सा सनलाइट से अपना खाना वाना बना ले, फोटोसिंथेसिस कर ले। उसके बाद इसको टैंक में 1-2 दिन में लगाऊंगा, आज नहीं लगाऊंगा, तो इसको फिलहाल मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। ओ भाई साहब, पहली बार मुझे लग रहा है कि 1 पीस में ऑमलेट बनाया इसने, नहीं तो इसका ऑमलेट भाई टूट जाता था बीच में। वो मैं दूसरा तवा यूज़ बोलता था मैं ऑमलेट बनाने, मिलता था एक भुर्जी मुझे। भाई राम, कितने झूठे अविनाश, बट देखो ये अच्छा बना ना। तुम्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा कि बढ़िया बन गया कैसे, क्योंकि आज मैंने इसको बहुत ज़्यादा फेंका है। भाई का काम थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। झाड़ू पोछा लग गया, क्योंकि हमारी जो काम करने वाली दीदी थी वो आ गई थी टाइम पर, तो काम अपना हो गया। और यहाँ पे क्या बन रहा है? लस्सी बनाई है। इसमें लस्सी कैसे बन रहा है? अच्छा, दिस इज चावल और यहाँ पे लस्सी, क्या बात है। तुम्हारे अंदर का पंजाबी जाग गया क्या? गर्मी आते ही शुरू, लस्सी एंड मैंगो शेक, बनाना शेक, मैंगो शेक। 5:30 द इवनिंग और नहाना धोना हो चुका है, और मुझे अभी मैक्स को लेके जाना है वॉक पे। लेकिन उसके पहले एसी सर्विसिंग के लिए मैंने अर्बन क्लब से बुला रखा है भैया को, मतलब बुक कर रखा है। तो उनके आने का भी टाइम है। तो शायद अब सर्विसिंग कराने के बाद मैं इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी 5:30 हो रहा है। अगर मैं अभी जाता हूँ और वो अगर 5-10 मिनट पहले आ गए तो फिर मैक्स का जो वॉक है वो बीच में ख़त्म करके आना पड़ेगा। तो इसलिए सोच रहा हूँ पहले इसकी सर्विस हो जाए, उसके बाद मैक्स को लेके जाएंगे। वैसे भी धूप जस्ट अभी ख़त्म हुई है, वरना अभी तो अभी मैक्स का वॉक चल रहा है। मैं थक गई हूँ, ये नहीं थक रहा है। इतना लंबा लंबा रोज वॉक कराएंगे तो हालत खराब हो जाएगी मेरी। तो ये तो कुछ भी वॉक नहीं है। एक ये देखो, इसको देखो, ये भी मेरे को लग रहा है मैक्स की तरह है। इसको भी फोटो खिंचाना अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ उधर? नहीं जाना है उधर। ये मैक्स के पास जाना चाहती है। इसका नाम क्या भैया? कायरा। उधर मैक्स को देखो। मैक्स मम्मा इसकी है। बाबू इधर आओ, अभी फैल जाएगा एकदम। नहीं, लड़ाई नहीं होगी। नहीं, चलो मैकडू तू बहुत बदमाश हो रहा है। चलो बाय कायरा, चलो बाय। वो साथ जा रही है हमारे। नहीं उधर जाओ, चलो उधर। मैं इसमें से जो बड़ा वाला अपना लगेज है वो निकालने के लिए, वो हवाई जहाज निकालना जरूरी है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा सामान है। ये मैंने कुछ शुगर कैन वगैरह खरीदा था, वो है। ये नमकीन है, ये मैक्स का फूड है। और फिलहाल इसके साथ और कुछ तो ले जा नहीं सकता, तो बंद कर देता हूँ। बंद हो गया। जो एसी सर्विस करने वाला बंदा था वो तो अब आ नहीं रहा है, क्योंकि वो गोली दिया जा रहा है। वो बोला कि 7 बजे आएगा, 7 बजे बोला 7:30 बजे आएगा, 7:30 बजे बोल रहा है कि 1-1.5 घंटे और लगेंगे। मैंने बोला भाई 10 बजे तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसको स्केड्यूल कर दिया कल के लिए। तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ, सब्ज़ी ले आता हूँ, क्योंकि घर में एक भी सब्ज़ी नहीं है। हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, आलू कुछ भी नहीं है घर में। तो खाना क्या बनेगा? दोपहर में हम लोगों ने चावल, दाल और अचार खाया है, और रात में खाना बाहर से ऑर्डर किया था। तो इसलिए सब्ज़ी लाना बहुत ज़रूरी है। IPL चालू हो गया नहीं? हाँ, IPL देखते देखते सब्ज़ी बेच रहे हैं। बहुत बढ़िया करेंगे। काम भी चला और IPL भी चल रहा है। बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए यार। अब हमारे घर में भी चींटियाँ आने लगी है बहुत ज़्यादा। मैक्स से खाने में भी चींटियाँ आ गई, और अभी आटे में भी चींटियाँ आ गई। भगवान जी को प्रसाद लगाया था, उसमें भी चींटी थी। उसमें तो चलो वो मीठा है, लेकिन आटे में कैसे आ गई चींटी? इस चींटियों के साथ मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज कोई कमेंट करके बता दो कि इनको कैसे भगाया जाए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, तो ये भाग सकती है। तो अगर कोई है उपाय तो प्लीज जरूर बताना कमेंट करके, आपका बहुत भला होगा। हाँ भाई, भला हुआ। मैं हट, क्यों किया ऐसे? क्यों किया? बचाएगा मुझे। क्यों किया ऐसे? पिटाई करो, करो पिटाई। इधर आओ जरा, इधर आओ, करो पिटाई। बचाओ मैक्स, गुड बॉय, गुड बॉय। बदमाशी कर रहा है तू भी। अभी क्या है कि 9:30 बज रहे हैं, डिनर हमारा हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं सोने। रीजन इसकी नैमी की जो शिफ्ट है वो सुबह की हो गई है 6:30 बजे की। इसके लिए बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। ये जल्दी उठेगी तो मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा, और गर्मियाँ आ गई है तो मैक्स को भी सुबह जल्दी घुमाना पड़ेगा, क्योंकि आज 8:30-9 बजे के आसपास घुमाने गया था और काफी ज्यादा गर्मी थी। हालत इसकी भी खराब हुई, मेरी भी। इसका तो देख लो, ज्ञान मिल रहा लगता है। इसी रीजन से हम लोग जल्दी सो रहे हैं, ताकि सुबह जल्दी उठेंगे तो अपना एक रूटीन आ जाए। अब देखते हैं कितने दिन रूटीन चलता है। आज जल्दी सो के हीरो नहीं बन सकते हैं। ऊपर से कल क्या है कि 3:30 बजे के आसपास सोया था और 7:30 उठ गया था, तो कल भी उतनी दूर की थकान जो है वो अभी तक उतरी नहीं है। तो इसलिए जा रहा हूँ जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठूंगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, हैव फन, स्टे सेफ, बाय बाय।